कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कमाई सीटों को लेकर पीएम मोदी की हार बताया है। उनका मानना है कि बीजेपी की कम सीटें आना पीएम मोदी की राजनीति और नैतिक हार है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां वहां अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने एक अखबार में लिखे आर्टिकल में कहा कि 2024 के चुनाव में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार हुई है। खुद को ऐश्वर्य शक्ति घोषित करने वाले पीएम के लिए ये चुनाव परिणाम की घृणा की राजनीति को अस्वीकार करना था। यही नहीं, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे आमजन ने अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि मार्च 1977 में देश के लोगों ने इमरजेंसी लगाए जाने पर अपना फैसला सुनाया था, उसे तत्कालीन सरकार ने स्वीकार कर लिया था। 1977 के फैसले को हमने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया, इसलिए हम 1980 में दोबारा उस बहुमत से वापस आए जिसे मोदी कभी नहीं पा सकेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का जिक्र किया है, आश्चर्यजनक रूप से हुई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ध्यान से भटकाया है। प्रधानमंत्री हमेशा सहमति की बात करते हैं लेकिन टकराव का रास्ता अख्तियार करते हैं। सरकार की ओर से जब हमसे स्पीकर चुनाव में समर्थन की मांग की गई तो हमने कहा कि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा के कार्यकाल में बिना चर्चा कानून पास किए गए तमाम सांसदों को निलंबित किया गया। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन नीट पर चुप है। इस बीच देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उन्हें डराने के मामले अचानक तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में सिर्फ आरोप लगाने पर ही अल्पसंख्यकों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान अपने पद की मर्यादा का ख्याल न रखते हुए झूठ बोला और सांप्रदायिक बातें कही। कांग्रेस नेता ने मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया, कहा कि मणिपुर जलता रहा लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाने का समय नहीं निकाल पाए। प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे को जनता ने रिजेक्ट किया, इस पर उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए।